हेलो स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सर्कल्स तो सर्कल्स चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैंपेन अबाउट डायबिटीज अवेयरनेस तो इसमें आपको एक केस दिया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ अ कैम्पेन अूज बलून विथ मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑन डायबिटीज वॉज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस अ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग तो यहाँ पे क्या है ये एक टेरिस है और उसके ऊपर एक बलून लगाया हुआ है इस तरह से ये जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है ना ये एक बलून लगाया हुआ है इट वॉज हेल्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एट मीटर ईच विच एंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री अब इस बलून को टाई करने के लिए क्योंकि बहुत बड़ा है तो ये दो स्ट्रिंग लगाई हुई है और ईच स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी एट मीटर ये भी एट मीटर का है और ये भी एट मीटर की स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे सिक्सटी डिग्री का एंगल बन रहा है वेयर सिक्सटी डिग्री एट द पॉइंट वेयर इट वॉज टाइड एज शोन इन द फिगर तो ये आपको फिगर समझ में आ गया ये आपका यहाँ पे क्या टेरेस है टेरेस के ऊपर बलून को यहाँ पे इस तरह से लगाया हुआ है और उसको टाई से किया हुआ? स्ट्रिंग से रस्सी से बांधा हुआ है तो इस पॉइंट से टाई किया हुआ है और एक रस्सी इधर जा रही है एक रस्सी इधर से दोनों साइड से बांधा हुआ है ताकि इसका बैलेंस बना रहे ठीक है फिर नाउ अब आपको यहाँ पे क्या देखना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन तो ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर क्या है तो आप यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है हमें बताना ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्राइसोलिस है लिटरल है राइट ट्राइंगल है या राइट एंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो आप यहां पे देखो ये हमें जो एक ट्राइंगल दिया हमें यहाँ पे फिर से ड्रॉ करती हूँ देखो ये एक ट्राइंगल हमें यहां दिया हुआ है इस ट्राइंगल में आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री ठीक है और ए बी और पी अब हमें यहां पे ये पता है कि अगर सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो आप जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करो ना अभी केस बेस्ड क्वेश्चन भी कर रहे हो तो पहले इसके सारे थ्योरम्स पढ़ लो जो भी इसके स्टेटमेंट्स है ना वो आप यहां पे पढ़ लो ताकि इसको सॉल्व करने में ईजी रहेगा आप इसे सीधा करोगे तो आपको वहां पर नहीं याद आएगा एक बार उसको जो भी आपके थ्यूरम्स है उसके आपके चैप्टर के एनसीआरटी बुक के इस चैप्टर के लास्ट पेज पर पे लिखी हुई एक बार उनको माइंड में करके फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये यहां से क्या हो गया एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट

अब ठीक है अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल होता है तीन साइड इक्वल होती तो होता है तो ये साइड साइड आपके पे इस के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे तो पीबी के इक्वल ये वाला एंगल वन होगा और ये पी ए के इक्वल ये वाला एंगल टू ले लिया तो ये दोनों एंगल आपस में यहां पे क्या होंगे इक्वल होंगे तो आप कहोगे क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो नहीं अभी हम चेक करते हैं ये एंगल हम फाइंड करते हैं तो एक ट्राइंगल के हमें अंदर हमें पता है कि वन एटी डिग्री टोटल एंगल होता है तो वन एटी में से ये सिक्सटी तो यहाँ पे हो गया तो वन एटी माइनस सिक्सटी कितना बचा वन एटी माइनस सिक्सटी आपका यहाँ पे बचा वन ट्वेंटी डिग्री और वन ट्वेंटी डिग्री में ये दोनों इक्वल है एंगल वन एंगल टू इक्वल है तो वन ट्वेंटी को इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे तो ये भी सिक्सटी डिग्री हो जाएगा ये भी सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो ये क्योंकि ये एंगल सिक्सटी है इस वजह से ये ट्राइंगल आपका इक्वी लिटल बन गया नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो इसमें हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी डिग्री हो गया एंगल ए की जगह वन रख दो एंगल बी की जगह भी हम यहाँ पे वन रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल ये पी ए इक्वल टू पी भी है ना तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड्स आर ये थ्योरम पता है तो और एंगल सी आपका सिक्सटी डिग्री है इक्वल टू वन एटी डिग्री हो गया तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया एंगल वन प्लस एंगल वन टू ऑफ एंगल वन वन एटी माइनस प्लस का सिक्सटी उधर जाएगा वन एटी माइनस सिक्स हो गया तो एंगल वन इक्वल टू वन एटी प्लस सिक्सटी गया वन ट्वेंटी हो गया डिवाइडेड बाई ये टू इधर आ गया टू से ये 20 एंगल हो गया 60 डिग्री हो गए यानी एंगल वन एंगल टू दोनों यहां पे 60 डिग्री हो गए इसका मतलब ये यह ट्राइंगल यहां पे क्या हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया समझ में आ गया नाउ अब यहाँ पे देखो ये अगर आप ये कह रहे हो अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह की थ्योरम भी है क्योंकि जो कंफ्यूज करती है कि टेंजेंट तो सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो नहीं टेंजेंट कब बनाती है जब रेडियस के साथ रेडियस और टेंजेंट जहां पर भी मिलती है वो वहां पर नाइन्टी डिग्री का एंगल है ये आपका यहाँ पे क्या है कॉर्ड है ओके okay? कॉर्ड के साथ नहीं रेडियस के साथ वो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो सारे स्टेटमेंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए सारी थ्योरम्स क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका कोई

इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए बी इज थ्री सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल तो यू नो इसने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड ए बी के ऊपर मतलब यहाँ से यहाँ पे एक अपने लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है ठीक है तब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है तो ये यह हमें यहाँ पे ये यह सर्कल का हमें क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है ठीक है तो ये देखो हम कैसे फाइंड करेंगे तो इस इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए देखो आपने अभी हमने कितनी चीज़ें देख ली एक हमने यहाँ पे टेंजेंट की थ्योरम देखी है कि टेंजेंट यहाँ पे जो लेंथ में इक्वल होती है दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है फिर तीसरा हमने यहाँ पर देखा आइस एलिस्ट्रा में देखा कि साइड अपोजिट हो तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम फोर्थ नंबर की थ्योरम यहाँ पर यह है कि किसी कॉर्ड पर अगर सर्कल से हम यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ करें सर्कल से हम यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे भी ड्रॉ

तो करेगी ये आपकी पूरी अभी हमने लिखा ये एट मीटर की है साइड मीटर की तो ये भी फोर हो गई और ये भी फोर हो गई और हमें रेडियस यहां पे क्या करना है फाइंड करना है और और ये जो लेंथ थी वो तो हमें क्वेश्चन में दी हुई ना थ्री देखो यहां टू द कॉर्ड ए बी इज थ्री सेंटीमीटर ए बी इज देन फाइंड द इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए बी इज ठीक है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर है देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है इस तरह से ठीक है ये ओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर हम इसको कोई नेमिंग कर देते हैं इसको हम सी नेमिंग कर देते हैं तो ये सी हो गया तो ओ सी हमें दिया हुआ है थ्री और ओ ए सी से लेकर ए तक के डिस्टेंस अभी हमने फॉर्मूला ये आइडेंटिटी से निकाली है वो फोर है अब हमें ओ ए चाहिए तो ओ ए आपका हाइपोटेनस हो गया क्योंकि ये एंगल आपका नाइन्टी डिग्री है तभी तो ये फोर मिला तो नाइन्टी के जस्ट सामने तो ये अंडर रूट ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वेयर प्लस ओसी स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर यानी कि फोर स्क्वायर ओसी स्क्वायर यानी कि थ्री स्क्वायर तो फोर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है फाइव के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा फाइव मीटर हो जाएगा तो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ गया फाइव मीटर आ गया समझ में आ गया इजी क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी तो अब तो यहाँ पे आपको क्या करना है इस वाले इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है सेंटर ऑफ अ सर्कल से लेकर के वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल पी यानी कि हमें यहाँ पे ओपी फाइंड करना है तो ये भी हम इजीली कर लेंगे यहां पे ये देखो हमें ये एट सेंटीमीटर पता है और फिर हम यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं तो देखो इस फिगर को मैं यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ हमें ओ पी फाइंड करना है तो ओ पी साइड से बनने वाला ट्राइंगल एक इधर वाला भी हो सकता है एक इधर वाला भी हो सकता है इसको मैं यहाँ पे अगर इस तरह से पूरा ज्वाइन कर दूँ तो ए ओ पी ट्राइंगल हम यहाँ पर लेते हैं जैसा वहाँ बना हुआ है ना मैं वैसे ही बनाती हूँ ये इस तरह से तो ये ए है यहाँ पर एंगल हमारा नाइन्टी डिग्री है

स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है तो ये हो गया आपका 64 प्लस फाइव स्क्वायर हो गया आपका 25 तो 64 प्लस 25 हो गया रूट एटी अब रूट एटी तो यहाँ आंसर है ही नहीं हमें तो सॉल्व करके दिया है कोई बात नहीं हम यहाँ पे फटाफट से रूट 89 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ देखो यहाँ करते हैं तो ये एटी नाइन ले लिया फिर डेसिमल जीरो जीरो फिर जीरो जीरो फिर हम इस तरह से पेयर लगाते हैं देखो रूट कैसे फटाफट से कैसे निकालते हैं तो एटी नाइन नहीं लेकिन ए, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एटी नाइन नहीं तो एटी नाइन से कम नंबर आना चाहिए तो हमें पता है नाइन नाइन सा एटी वाइन होता है तो ये नाइन नाइन एटी यहाँ एड करेंगे यहाँ पे हम सब करेंगे तो नाइन में से वन गया तो ये हो गया आपका यहाँ पे एट अब आपका यहाँ से क्या आएगा ये पेयरिंग में नंबर आते हैं तो पहला हमने नाइन लिया फिर यहाँ डेसिमल है डेसिमल लग गया अब डबल जीरो आ रहा है बस हमें डेसिमल के बाद एक नंबर तक चाहिए अब देखो फिर से सेम से नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया इससे कम आए तो फोर हो जाएगा तो फोर फोर दिक्सटीन का सिक्स कैरी वन थ्री और क्या हो गया फाइव हो गया ठीक है अब फाइव लोगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा तो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया बिन आएगा ठीक है थीकियो? अब बड़ा नंबर लोगे तो और बड़ा नंबर यहां पे आ जाएगा जो नहीं होगा तो बस हमें नाइन पॉइंट फोर मिल गया अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक है हाँ। तो यहां पे आपका आंसर आ गया है नाइन पॉइंट फोर आगे हम नहीं कर रहे हैं नाइन पॉइंट फोर से हमने देखा तो ये हमारा आंसर यहां पे हो गया ठीक है क्योंकि नाइन 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 बहुत सारे थे अगर नाइन यहाँ एट या सेवन होता तो हम सिर्फ नाइन को देख के यहां पर टिक कर लेते बट नाइन नाइन बहुत सारे थे इसलिए डेस्टिमेट के बाद एक नंबर तक हमें फाइन करना था तो एक तरीका ये हो गया दूसरा तरीका आपका यहाँ पे क्या है हमें पता है कि सेंटर से यहां पे सेंटर से जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर आप एक लाइन करते हो सेंटर से तो वो जो साइड होती है वो इस एंगल को बाइसेक करती है तो ये ये 30 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा जाएगा तो यहाँ पे आप एंगल क्या कर दो थर्टी डिग्री कर दो तो एक साइड और एक एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के भी आप यहाँ पे ये यह साइड यहां पे फाइंड कर सकते हो जैसे ये थर्टी हो गया यानी कि ये वाला एंगल थर्टी है दैट मीन आपका ये वाला बेस हो गया क्योंकि जिसपे एंगल एंगल होगा वो बेस हो जाएगा ये आपका यहाँ पे बेस हो गया अब चाहे एट को लेकर करो चाहे फाइव को लेकर के करो और आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले सकते हो अगर हम इसको बे बी अपॉन एच लेंगे तो ये कॉस थर्टी डिग्री लेंगे अगर पी अपॉन एच लेंगे तो ये साइन थर्टी लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी यानी इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा तो क्योंकि ये इक्विलिटर ट्राइंगल है तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता होता है रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर होता है रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर तो रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर तो ये आपका यहाँ पे हो गया एरिया इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर यानी कि एट का स्क्वायर तो ये हो गया रूट थ्री बाय फोर एट स्क्वायर यानी एट इंटू एट फोर से कैंसिल हो गया टू टाइम तो ये हो गया आपका सिक्सटीन रूट थ्री मीटर तो ये आपका फोर्थ आंसर हो गया ठीक है हमने इसको सॉल्व कर लिया ईजिली नाउ नेक्स्ट देते आई होप आपको सारी से भी रिमाइंड हो गई होगी जो भी थ्योरम्स हमने यूज की वो मैंने आपको बता दी लेकिन जब भी आप किसी क्वेश्चन पढ़ने का यही पैटर्न है क्योंकि थ्योरम्स हम भूल जाते हैं फॉर्मूलाज फिर भी याद रहते हैं बट स्टेटमेंट हमारे माइंड सेट्स के पो जाते हैं तो एक बार अगर इस चैप्टर को कर रहे हो तो उससे पहले आप स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लो Now, next question is people of village want to construct a road nearest to a circular village. अब ये आपका circular village है इसमें थोड़ा ये आपको oval shape दिख रहा है but एक circle है ये ठीक है यहाँ पे photo लेने के time में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो circle village है और इसके यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं एक nearest, सबसे nearest उसके road बनाना चाह रहे हो नियरेस्ट तो आपकी तो सबसे यही रोड हुई एक रोड ये रही एक रोड आपकी यहाँ ये रही द रोड कैन नॉट पास थ्रू द विलेज अब ये रोड है वो इस विलेज के अंदर से नहीं जानी चाहिए विलेज के थ्रू अंदर से नहीं होनी चाहिए विलेज के नियर से पास होनी चाहिए ठीक है यानी कि इस तरह से कट करती हुई सर्कल को कट करती हुई नहीं पास होनी चाहिए सर्कल के टच होकर पास हो सकती है बट द पीपुल वॉन्ट द रोड शुड बी एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर विलेज के अंदर से पास नहीं हो रही लेकिन कोई बात नहीं विलेज के नियर होनी चाहिए तो अगर विलेज के नियर भी अगर आप बना रहे हो तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होनी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होती है इसके टच करके बना दो ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गए शॉर्टे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलेज यानी कि ये सर्कल का सेंटर है और उसके सर्कल के सेंटर से बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये विलेज यहाँ पे रोड यहाँ पे होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है जो, जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं एक रोड बनाना चाह रहे हैं इस सर्कुलर विलेज के नियरेस्ट तो उन्होंने बोला है कि ये गाँव के अंदर से पास नहीं हो रही है तो अंदर से पास नहीं हो चाहिए लेकिन सर्कल के सेंटर के सबसे नियरेस्ट होने चाहिए ठीक है सपोज द रोड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट रोड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी विच इज आउट साइड दर्कुलर वेज तो फिर ठीक कि है सपोज द रोड स्टार्ट फ्रॉम ये हमारा सर्कल है अब लेट की ये किसी ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है हमने यहां से स्टार्ट करी थी ओ पॉइंट से स्टार्ट करी है विच इज आउटसाइड द सर्कुलर विज तो ये सर्कुलर वेज क्या आउट साइड है ठीक है एंड एट पॉइंट ए सच दैट विलेज एंड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर विलेज एट पॉइंट ए और ये यहाँ से क्या करती है इस सर्कुलर जो आपका विलेज है उसकी बाउंड्री को टच करती है तो बाउंड्री तो कहीं पर भी टच कर सकती है ऐसे कर सकती है वैसे कर सकती है कैसे भी कर सकती है तो हमने इसको यहाँ पे टच करा दिया ए पे टच कर रही है एंड द शॉर्टेज एंड सच दैट ओ इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओ ए ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया हुआ है ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है फाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो आपको यहां पर क्या फाइन करना है कि इस, इस point की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से, से विलेज के सेंटर से कितनी है ठीक है यह हमें फाइन करना है हमें ओ ए यहां पर ट्वेंटी दिया हुआ है अच्छा एक चीज और हमें दी हुई है एंड ऑल्सो द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द सेंटर

पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो ये रोड हमारी जा रही है इस रोड से यहाँ पर क्या करनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी जो कि परपेंडिकुलर बना रही है और हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाता है तो हमेशा स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगी जो परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल ठीक है अगर मैं ऐसे देखूँ या ऐसे देखू या ऐसे देखूँ तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगी तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइन करना है सर्कल के सेंटर को सी कहा हुआ है तो हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस लगा ले क्योंकि एक स्टेटमेंट से हमारा ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो चुका है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ए सी आपका यहां पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्योंकि ये 90 के सामने हाईपर है तो आपको यहां ए सी फाइन करना है तो हाइपर हमें चाहिए हाइपटेनिस में से बेस को हम सब ट्रैक करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी ओ स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर हो जाएगा तो सी ओ आपका कितना हो गया ट्वेंटी फाइव स्क्वायर माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर तो ये हो गया सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस हो गया आपका यहाँ पे फोर हंड्रेड तो ये आपका आ गया यहाँ पे टू टू फाइव तो टू टू फाइव आपका रूट से फिफ्टीन का स्क्वायर होता है तो फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया तो ये आंसर आ गया ठीक है स so, को फाइंड करने के लिए कौन सा मैथड अप्लाई किया तो so, एक तो आपने यहाँ पे पाइतागोरस थ्योरम ये हमने लगाई है ठीक है बट अगर हम पाइतागोर थ्योरम तो तभी लगाते ना कि जब हमें पता चलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल लगाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगाया एक टेंजेंट वाला स्टेटमेंट लगाया कि कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट टेंजेंट अगर यहाँ पे ये एंगल अगर 90 नहीं होता तो हम ये थ्योरम नहीं लगा सकते तो हमने दो चीज यहाँ पे यूज की है एक तो हमने स्टेटमेंट यूज किया है कि रेडियस टेंजेंट रेडियस जो होती है वो टेंजेंट हंड 90 डिग्री का एंगल बनाती है और एक हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया तो दो चीज हमने यहाँ पे यूज की है तो कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल पाइथागोरस थ्योरम बोथ वन एंड टू एंड नंबर ऑफ द बो तो वन एंड टू हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों यूज किया अगर हम ये टेंजेंट वाला नहीं लगाते तो हम पाइथागोरस थ्योरम को नहीं लगा पाते तो ये दोनों ये लगा है तभी ये लगा है ठीक है पॉइंट इज इन साइड द सर्कल हाउ मैनी टैंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट यहां पर देखो इसी का फिगर हम बनाते हैं इफ ए पॉइंट इन साइड है ठीक है अब ये पी एक्सटर्नल पॉइंट बाहर होता है तो, तो हम दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अब यही ये यह सर्कल का सेंटर है और ये पी जो आपका पॉइंट है वो अंदर आ गया ये आपका सेंटर हो गया ये पी पॉइंट अब अंदर आ गया अब ड्रा करो टेंजेंट कितनी ड्रॉइ ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट तो हमेशा यहाँ पे होती है ना सर्कम फ्रेंड्स पर होती है बाहर अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं यहाँ से ड्रा कर सकती हूँ लेकिन अंदर ही ये पॉइंट ही जो एक्सटर्नल पॉइंट आपका था वो इंटरनली चला गया तब तो मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकती ये यहाँ से थोड़ी ना मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये इसको टच करेगी तो इसको इंटरसेक्ट करिए अब मैं यहाँ से जितनी भी लाइन्स ड्रॉ वो उसको टच नहीं कर रही है उसको क्या करिए इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कंसेप्ट अब यहाँ पर ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट किस किस जगह पर होगा हम यहाँ पे इसमें आएंगे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न आएंगे तो जब आपका पॉइंट सर्कल के ठीक है, तो है तो हम एक भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ठीक है और अगर एक पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते एक्सटर्नल पॉइंट हम मैक्सिमम कितनी टेंजन ड्रॉ कर सकते हैं एक ये ड्रॉ कर सकते हो ये ड्रॉ कर सकते हो और थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी इफ टू सर्कल्स आर एक्सट्रीमली एक्सटर्नली एंड दे डू नॉट टच देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अब दो सर्कल आर क्या है एक्सटर्नली है इस तरह से और इस तरह से और वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली एंड दे डू नॉट टच वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अब आप बताओ यहाँ पे कॉमन टेंट क्योंकि ये तो आपका एनसीआर बुक में भी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर आप थ्योरम आगे का यहाँ पे केस uh, बेस्ड के लिए आपको यही करना थ्योरिटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ना है अगर आपने आगे का थ्योरिटिकल पार्ट जो आपको बुक में दिया वो पढ़ा होगा ना तो ये आंसर आप दे पाओगे ठीक है तो इसमें आप यहाँ पे देखो एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक मेरी ये इस तरह से गई और यहां टच कर ठीक है दूसरी में ऐसे एक टेंजन ये हो गई दूसरी टेंजन भी मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये यह कट हो गई ठीक है ये दो टेंजेंट हो गई अब दूसरी टेंजेंट में ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ चाहे वो सर्कल छोटा होगा तो यूं आ जाएगी इस तरह से और तो ये एक सेकेंड को पेंसिल से ड्रॉ कर दी ब्लैक लाइन आ गई ना तो एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बस उसके अलावा कोई टेंजेंट हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो कि इन दोनों को टच करें ठीक है तो टेंजेंट हमें इफ टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली एंड दे डू नॉट टच देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होगा जो इसको भी टच करे इसको भी टच करे तो इसका मतलब जो एक हम इस तरह से ड्रॉ कर ली एक हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली तो इसका मतलब हम सिर्फ फोर टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर दो सर्कल अलग अलग बने हुए एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट्स जो होगी वो होगी ये कॉमन टेंजेंट्स के नंबर है नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अगर पॉइंट अंदर चला जाता है तो कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यह दो सर्कल आपके एक्सटर्नली एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉमन टेंजेंट आपके यहां पे फोर होगी अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका इफ वी टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स एंड द एट द एंड ऑफ द डायमीटर देन दिस टेंजेंट आर ऑलवेज तो ये होती है पैरेलल ये इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया अभी अब मैं आपका एनसीईआरटी एग्जांपलर का जो सर्कल्स चैप्टर भी अभी अपलोड होने वाला है तो वहां पे आप देखोगे कि हां कि ये कैसे आंसर आ रहा है तो ये देखो ये हमारा सर्कल है ठीक है ये मेरा यहां पे डायमीटर है ए पॉइंट ले लिया ये बी पॉइंट ले लिया ये सर्कल का सेंटर हो गया अब एक टेंजेंट में यहां पे ड्रा कर रही हूं एक टेंजेंट में यहां पर ड्रॉ कर रही रू तो ये डायमीटर के एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट थोड़ी ना ऐसे झुकी हुई होगी तो स्ट्रेट होगी तो ये बिल्कुल एक दूसरे क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ओ ए के साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी नाइन्टी डिग्री ओबी के साथ ये कितने डिग्री एंगल बनाएगी नाइन्टी डिग्री जब इन दोनों के बीच में वन एट्टी डिग्री का एंगल है सप्लीमेंट्री है ये एंगल तो ये हमेशा क्या रहेगी स्ट्रेट रहेगी अगर यहां पर एक भी डिग्री एंगल कम हो जाता तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाती बट वन एटी का मतलब क्या हो गया स्ट्रेट लाइन हो गई बिल्कुल ये लाइन आपकी क्या हो गई स्ट्रेट हो गई और ये भी यहाँ पे 90 प्लस 90 हो गया इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया ये दोनों लाइन आपस में पैरल हो गई इस तरह से ये दोनों लाइन आपस में पैरल अगर ये ट्रांसवर्सल इनको इस तरह से इंटरसेक्ट करिए कि यहाँ भी 90 है जिनके यहाँ भी 90 है तो इसका मतलब कंजिक्यूटिव एंगल का सम 90 है इसका मतलब 180 हो गया इसका मतलब ये लाइन्स क्या हो जाएगी यहाँ पे ये भी नाइन्टी है और ये भी नाइन्टी है सम यहाँ पे वन का मतलब तो सिक्सटी या यहाँ पे वन ट्वेंटी इस है बट ये दोनों नाइन्टी इक्वल एंगल हो गए ना कंजीक्यूटिव एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए तो इसीलिए ये लाइंस यहाँ पे क्या होगी पैरल होगी तो ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको एनसीआर बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगे आपने उनको ध्यान से हट गए बट ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेंगे क्योंकि ये अलग तरह के इनको जो ये लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है ये नाउ नेक्स्ट देखते हैं नाउ थ्री

पॉइंट के यहाँ पर दो पाइप लगे हुए ए बी लगा हुआ है और ए सी लगा हुआ है ईच ऑफ ट्वेल्व मीटर लॉन्ग ये भी ट्वेल्व मीटर है और ये भी ट्वेल्व मीटर लॉन्ग आर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द टेरेस टू ऑफ अ बिल्डिंग तो ये यह यहाँ से बिल्डिंग की टेरेस से पानी को क्या कर रहे हैं नीचे लेकर आ रहे हैं लाइन थ्रू फ्रॉम अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट लाइन इज तो लाइन ये तो आपको स्टेटमेंट पता है कि एक सेंटर सर्कल के सेंटर से अगर आप टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है पर पेंडिकुलर होती है ये तो हमें थ्योरम से लिख दिया कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू देंजेंट लाइन इज ऑलवेज पर पेंडिकुलर इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो आपको यहाँ पे क्या कहा है अभी हमने कहा था एक्सटर्नली वो टच नहीं कर रहे हैं बट इसमें कहा है कि वो टच तो भी नहीं कर रहे हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कैसे करेंगे एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल आपका यहाँ पे ये रहा अब ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब आपको कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी वो बतानी तो थ्री थ्री क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जब पॉइंट अंदर हो जाता है तो जीरो हो जाती है जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं टच भी नहीं करते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे रहते हैं तब वहां पे कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी वहां पे कॉमन फोर बनेगी और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये एक टेंजेंट ऊपर बनेगी और एक टेंजेंट यहाँ नीचे बनेगी ठीक है एक ये बन गई और एक ही बन गई सिर्फ दो ही टेंजेंट बन रही और तो कोई कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकती अगर ये कॉमन नहीं होती तो एक इधर भी बनाते इधर भी बनाते पर किसने कहा कॉमन टेंजेंट कितनी होगी तो ओनली दो कॉमन टेंजेंट होगी फिर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए तो रेडियस आपको यहाँ पे क्या कहा है रेडियस आपकी सर्कल की दी हुई है फाइव सेंटीमीटर तो ये हम यहाँ पे रेडियस इसको ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वही वह देखेंगे तो ये फाइव सेंटीमीटर रेडियस हमें दी हुई है ये एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है नाइन्टी डिग्री रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस रेडियस फाइव सेंटीमीटर होती है तो ओ ए कितना होगा तो 90 के जस्ट सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है तो हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हाईपर आपका कौन है ए ओ तो ए ओ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस पर पेंडिकुलर स्क्वायर तो ये तो हो गया ट्वेल्व स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर तो ट्वेल्व स्क्वायर हो गया वन फोर्टी फोर फाइव स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव तो ये यह आपका यहाँ पे हो गया वन सिक्सटी नाइन तो वन सिक्सटी नाइन थर्टीन का स्क्वायर होता है तो बाहर आके थर्टीन आपका हो जाएगा थर्टीन मीटर आपको मीटर में दिया हुआ ना सारा यहां सेंटीमीटर है ओके okay. अब यहाँ आपको मीटर में आंसर दिया हुआ है और यहाँ आपका सेंटीमीटर कर दिया तो दैट मीन्स ये भी सेंटीमीटर ही होगा फिर ठीक है ये सेंटीमीटर ही होगा अदरवाइज तो क्योंकि बाकी सारी यूनिट तो आपकी सेंटीमीटर है ना इसको मीटर में है तो अगर ये मीटर में तो इसको तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये तो ट्वेल्व हंड्रेड हो जाएगा फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा थर्टीन आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये भी आपका सेंटीमीटर में तो ये हमारा हो गया थर्टीन इफ वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर लाइन इफ वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर लाइन फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दैट इट ऑलवेज पास थ्रू तो आप यहाँ पे ये भी हमारी थ्योरम है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से यहाँ पे इस एक्सटर्नल uh, पॉइंट पे अगर एंगल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस एंगल को क्या करती है बाइसेक करती है बट अब इसने क्या है कि इफ वी ड्रॉ एंगल बाई लाइन अगर हम इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रा कर रहे हैं फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए ए पॉइंट पर ना तो अभी हम सर्कल के सेंटर से ए पे लाइन नहीं ड्रा कर रहे हैं हम ए से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ पे और कंडीशन क्या रखी है कि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन क्या दोनों टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि यहां पे जितना भी एंगल बन रहा है उसको वो बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक कर रही है तो अब वो ये लाइन इधर आके कहा ज्वाइन होगी अगर ये एंगल बायसेक्टर है तो ये लाइन आपकी सर्कल के सेंटर पे ज्वाइन होगी ठीक है तो इसका देन इट ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ठीक है तो ये इधर से ना पूछ के इधर से कहा कि अगर इधर से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एंगल को क्या करती है बाइसेक करती है हमेशा करती है लेकिन यहां पे यहां क्या कहा है कि अगर ये दोनों टेंजेंट के इस वर्ड यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट करिए वहां से आप एंगल बायसेकटर लाइन ड्रॉ करिए यहां से तो हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो अगर आप एंगल बायसेक्टर लाइन ड्रॉ करे तो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगी फिर नेक्स्ट इफ अ लाइन ओए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द टेंजेंट लाइन इफ अ लाइन अगर आपके यहाँ पे क्या है ये लाइन ओए है ये मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द टेंजेंट लाइन तो कहाँ बना रही होगी 60 डिग्री एंगल यहाँ बना रही होगी ना इस तरफ ठीक है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओए तब आप लेंथ ओए फाइंड करो ओके okay, तो देखो मैंने फिर से ये ट्राइंगल बना लिया ये यहाँ पे सिक्सटी डिग्री का एंगल कह रहे हैं आपको अगर ये सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहे तो ये हमारा यहाँ पे ट्राइंगल हो गया देखिए इफ ए लाइन ओ ए ये लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द टेंजेंट एंड किसी एक टेंजेंट के साथ बना रही है दोनों के साथ नहीं बना रही है इसी या तो इसके साथ बना रही है या इसके साथ बना रही है तो हमने यहां पे बनाया हुआ ट्रा तो मैंने कहा पे बना रही है तो ये एंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमें पता ये 90 है ये नाइन्टी डिग्री एंगल है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्वेल्व सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो अभी आपको ये वाला नहीं देना ये तो एक कंडीशन थी यहाँ पे कि अगर उसकी रेडियस फाइव सेंटीमीटर है तो

एक्यूट एंगल ये है इसके अकॉर्डिंग बेस कौन है ट्वेल्व है और हाइपोटेनस हमारा एओ है ठीक है तो कॉ सिक्सटी कितना हो गया वन बाय टू होता है ट्वेल्व अपॉन एओ तो एंटू वन ए गया और ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हो गया तो यानी कि ए हमारा यहाँ से कितना ट्वेंटी फोर तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना उल्टा सीधा ट्राइंगल बना हो जैसे ये ट्राइंगल या बेस नीचे आना चाहिए इस तरह से नहीं बना है लेकिन आप यहाँ पे लिख लो तो नाइनटी के सामने हाइपोटेनस होता है एक्यूट एंगल अगर यहां बना हुआ है तो ये बेस होगा ये एंगल अगर यहाँ होता तो ये बेस हो जाता है ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाले क्वेश्चन का

ऑर्गेनाइजर परचेजेज दिज बेजेस फ्रॉम रश्मि हु मेड दिस बेज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल तो उन्होंने क्या किया है ऑर्गेनाइजर ने परचेज किए हैं बेजेस किस से रश्मि से परचेज किए हैं मुझसे परचेज किए ओके हु मेड दिस बेजेस अब उसने क्या किया मैंने ये जो बेजेस बनाए वो इस तरह की शेप में बनाए ट्राइंगर शेप में बनाए हैं और उसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखा है सपोर्टिंग ट्री प्लांटेशन सपोर्टिंग ट्री प्लांटेशन ये मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया वॉट राइटिंग इन सर्कल सपोज बी डी बी डी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स सेंटीमीटर सी डी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एट सेंटीमीटर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ थ्री सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी तो आप यहाँ पे देखो हमें पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजन ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट एक बी हो गया एक पॉइंट मेरा ए हो गया एक पॉइंट मेरा यहाँ पे सी हो गया तो यहां से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो भी लेंथ में क्या होगी इक्वल होगी तो दैट मीन्स ए ई यहां पे क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू ए एफ हो जाएगा ये अगर थ्री है तो ये भी आपकी थ्री हो जाएगी तो ये भी थ्री होगी ये एक्सटर्नल पॉइंट यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए बी एफ और बी डी तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बी एफ इक्वल टू बी डी हो जाएगा उसी थ्योरम से कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है तो ये सिक्स है तो ये भी आपका यहाँ पे सिक्स हो जाएगा और लास्ट सी डी सी डी इक्वल टू सी ई यानी कि ये एट है तो ये भी यहाँ पे एट हो जाएगा तो अब आप यहाँ से देखो इसके अकॉर्डिंग आपका ए बी कितना आ रहा है तो ए बी सिक्स प्लस थ्री आपका यहाँ पे नाइन आ रहा है और बी सी कितना आ रहा है तो उससे एट प्लस सिक्स यानी कि ये यहाँ पे फोर्टीन आ रहा है और ए सी कितना रहा? तो 3, कि आ रहा है तो एट प्लस थ्री यानी कि ये इलेवन आ रहा है अब आप देख लो यहाँ से फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी तो ए बी कितनी आ रही है यहाँ पे नाइन और ए सी तो ए सी आपके यहाँ पे नहीं इलेवन तो नाइन सेंटीमीटर एंड इलेवन सेंटीमीटर सिंपल क्वेश्चन था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिगर से ही आपको देखना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी ट्राइंगल की तीनों साइड का सम करना है तो नाइन प्लस इलेवन प्लस फोर्टीन तो नाइन प्लस इलेवन प्लस फोर्टीन फोर प्लस वन आपका फाइव नाइन टेन और सॉरी नाइन प्लस वन टेन फोर्टीन का यहाँ पे फोर कैरी वन वन टू थ्री थर्टी फोर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्टी फोर द रेडियस ऑफ द सर्कल इस सर्कल की हमें यहाँ पे क्या कायन करनी है रेडियस फाइंड करने तो ये तो सबसे लंबा क्वेश्चन हो गया रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि हमने किया था ना आपको याद हो अगर एनसीआरटी बुक में आपने सॉल्व किया हो तो हमने इस वाले ट्राइंगल का दो तरीके से हमने इसका एरिया इक्वल करके किया था पहले ए बी सी ट्राइंगल का एरिया हमने हिरॉन्स फॉर्मूला से किया था फिर हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करके ट्राएंगल बनाए थे उनके अलग अलग पर पेंटिकुलर ड्रॉ करके अलग अलग हमने ट्राइंगल बनाया उनके एरिया को ऐड करके और फिर हमने उनका एरिया दोनों का इक्वल करके और रेडियस हमने फाइंड किया था बट ये एम क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम शॉर्ट मैथड करेंगे शॉर्ट मेथड आपको क्या करना है अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और आपको वहाँ पे उसकी रेडियस फाइंड करनी है तो ये वाला सी वाला पोर्शन कर रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लो कि रेडियस जो होता है रेडियस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर को हम यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं एस क्या होता है एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है तो एस यहाँ पेमी ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ कर दो सेमी पेरीमीटर हो गया तो ये होगा तो अगर आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड इस तरह का क्वेश्चन आता है और अगर आपका उसमें भी आता है और आपको देखा है कि मेरा रेडियस सही आया कि नहीं आया है तो वहां तो आपको उसी मैथड से करना है एमसीक्यू में यहां पे करना है क्योंकि ये फॉर्मुला आपको बुक में नहीं दिया हुआ है तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किससे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये फॉर्मूला होता है तो एस कितना है ए प्लस बी प्लस सी अभी जस्ट हमने पेरीमीटर निकाला था ना ये रहा ए प्लस बी प्लस सी आपका ये रहा तो थर्टी फोर आया था तो थर्टी फोर बाय आपका टू हो गया तो सेवनटीन आ रहा है ठीक है ये तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो तो ये यह आपका यहाँ पे हो गया सेवनटीन सेवनटीन माइनस तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस ये सॉल्व किया और हमारा आंसर आ जाएगा सेवनटीन तो नाइन और ये एट हो गया और ये इलेवन है तो यहाँ पे आपका इलेवन सिक्स हो गया ठीक है ये हो गया सिक्स और ये हो गया आपका थ्री तो अब देखो यहाँ पे सेवनटीन तो बाहर जाएगा नहीं सेवनटीन तो किसी के फैक्टर एट क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू होता है टू इंटू थ्री होता है और ये थ्री होता है टू फोर टाइम आ रहा है तो बाहर आ जाएगा तो एट टाइम और ये सेवनटीन हो गया तो ये हो गया ट्वेल्व रूट सेवन सेंटीमीटर तो रेडियस आपका कितनी हो जाएगी रेडियस आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्वेल्व रूट सेवनटीन और एस सेमीपेरिमीटर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे सेवनटीन आ रहा है तो ये हो गया सेवनटीन तो हम यहाँ पे ट्वेल्व रूट सेवनटीन सेवनटीन को हम क्या लिख सकते हैं रूट सेवनटीन इंटू रूट सेवनटीन ऐसे लिख सकते हैं ठीक है थीके? दो दो रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आता है इससे ये आपका हो गया कैंसिल यानी कि ट्वेल्व अपॉन रूट सेवनटीन सेंटीमीटर ये आपका यहाँ पे रेडियस आ गया तो ये रंसर सेकेंड वाला तो शॉर्ट मेथड से हो गया अगर उस लॉन्ग वाले मेथड से करते तो तो आपका पूरा टाइम यहीं पे चला जाता है तो ये शॉर्ट मेथड है जो आपको इस क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना तो ये जो आपको जब जो लग रहा है ना कि ये चीज मुझे याद रखनी है उसको तुरंत का तुरंत अपने नोट्स में लिख लो क्योंकि बाद में आप वीडियो ढूंढने में लग जाओगे मैंने वो कहाँ फॉर्मूला देखा था वीडियो नहीं मिलेगा तो क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हो जाते हैं तो जहां पर जो लगता है कि ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए वो आप फटाफट से अपने नोट्स में लिख दो तो ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व ये हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल तो हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया है अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे दोनों को सब्ट्रैक कर देंगे तो फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्राइंगल एंड सर्कल मतलब आपको कौन सा एरिया फाइंड करने के निकलेगा पहले तो अब ये देखो तो हमें कहा है ये वाला एरिया फाइन करने के ये वाला ट्राइंगल और सर्कल के बीच में कौन सा एरिया बचा है? एक ये बचा है तो ये कोई ट्राइंगल तो है नहीं कि हम एरिया का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें तो क्या करेंगे ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को सब कर देंगे तो यही हमारा तो ट्राइंगल का एरिया तो हम सॉल्व कर चुके हैं अब हम सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे तो आप यहां पर क्या लिखोगे तो एरिया बिटवीन ट्राइंगल एंड सर्कल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में से सब्ट्रैक करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल को तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना माइनस पाई आर स्क्वायर तो आर कितना हो जाएगा रेडियस रेडियस आपका हो गया ट्वेल्व बाय रूट सेवनटीन तो ये आपका हो जाएगा ट्वेल्व रूट सेवनटीन माइनस पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रख लो आर स्क्वायर यानी ट्वेल्व बाय सेवनटीन का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया ट्वेल्व आप यहाँ से ट्वेल्व कॉमन ले लो तो ये रूट सेवनटीन हो गया माइनस ट्वेंटी टू एक ट्वेल्व तो बाहर चला गया एक ट्वेल्व बज गया तो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी टू टू सिक्सटी फोर हो जाएगा और रूट सेवनटीन का स्क्वायर तो ये आएगा सेवनटीन सेवनटीन इंटू सेवन आपका यहाँ पे हो जाएगा वन वन नाइन हो जाएगा ठीक है अब देख लो ये आंसर है तो ये आंसर हमारा यहाँ पे नहीं है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है ना डिनोमिनेटर बाहर लिया हुआ है तो यहाँ पे एल्सीय लेना पड़ेगा तो ट्वेल्व वन वन नाइन आपका एल्म आ गया वन वन नाइन इधर चला जाएगा इसके डिनोमेटर में कुछ नहीं इसलिए वन वन नाइन रूट सेवनटीन माइनस टू सिक्सटी फोर ये हमारा आंसर है टू सिक्सटी फोर ठीक है अब देखो इससे मैच करो तो यहाँ पे सिर्फ ट्वेल्व कॉमन आना चाहिए और हमारा डिनोमिनेटर में वन वन नाइन होना चाहिए तो ये तो हमारा वन वन नाइन तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा फिर ये वन वन नाइन रूट सेवनटीन माइनस टू सिक्सटी फोर तो यहाँ पे ये यह मिसप्रिंट लग रहा है मुझे ट्वेल्व वन वन नाइन रूट सेवनटीन है माइनस है तो माइनस तो होगा नहीं वन वन नाइन रूट सेवनटीन माइनस टू सिक्सटी फोर ट्वेल्व ये यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन सी लगता है अगर मैं यहाँ पे वन वन नाइन कर देती हूँ तो ये ट्वेल्व अपॉन वन वन नाइन हो गया देखो ये मेरा आंसर है ट्वेल्ल अपॉन वन वन नाइन ट्वेल्व अपन वन वन नाइन वन वन नाइन रूट सेवनटीन वन वन नाइन रूट सेवनटीन माइनस टू सिक्सटी फोर हो गया तो ये आंसर होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे नंबर का मिसप्रिंट है ठीक है तो अगर, अगर आपके भी एग्जाम में अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप अपना सॉल्व करके उसको आप सॉल्व करके लिख लेना डायरेक्ट आंसर मत लिखना सॉल्व करके बता देना भाई मैंने कैलकुलेशन किया मेरा ये आंसर आ रहा था आपके वहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिल रहा था अच्छा फिर हम नन ऑफ द अबो भी तो कर सकते थे इसका आंसर हमारा कहीं भी नहीं मैच हो रहा ना तो नन ऑफ द अबो भी इसमें कर सकते थे ठीक है अब ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने बता दिया कि ये आंसर यहाँ पे कुछ मिस प्रिट होगा इसलिए बट आपका आंसर नहीं मैच कर रहा हूँ नन ऑफ द अबो आ रहा है तो नन ऑफ द अबो भी आप वहाँ पे कर सकते हो बट आंसर कैसे निकालना वो आपको समझ में आ गया एन आर्क विच मेक्स एन एंगल लेस देन 180 डिग्री एक आर्क है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कहा ये भी देखो ये सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ गया ये हमारा सर्कल है कोई भी एक आर्क है जो एन आर विच मेक्स एन एंगल लेस देन दे अगर ये वन एटी डिग्री एंगल बनाती है ना अगर यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ये वाली आर के ये वन एट सेंटर पे वन एट्टी डिग्री का एंगल बना रही है दैट मींस तो ये सेमी सर्कल हो गया लेकिन वन एटी डिग्री से कम बना रही है लेट की ये यहाँ पे सिक्सटी डिग्री एंगल बना रही है वन एटी से कम क्या हो गया सिक्सटी डिग्री एंगल हो गया ये मैंने ले लिया आर्क जो है ना ये यह यहां से लेके P से लेके Q तक आर्क है वो सेंट पी क्यू जो आर्क है वो सेंटर के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये आर्क आपकी कौन सी होगी मेजर आर्क होगी या माइनर आर्क होगी ये माइनर होगी ये पीछे वाली मेजर होगी तो ये हमारा आंसर हो गया माइनर आर्क इसका आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि जो वन से छोटी बना रही है तो वो माइनर होगी वन से ज्यादा बना रही है तो वो मेजर होगी ठीक है नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से तो ये भी अच्छे से समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ठीक है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी एक सर्कल के ऊपर वो उस पॉइंट की पोजिशन पे डिपेंड करता है टू डि विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल ठीक है केस फर्स्ट आपको कहते हैं वेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट पी सर्कल की आउटसाइड है तो दो टैंजेंट ड्रॉ की हुई है वैन पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल अगर पॉइंट पी सर्कल के सर्कम फ्रेंस पे है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है वैन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल जब पॉइंट पी सर्कल के इनसाइड है तो नो no टेंजेंट कोई टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी सब सारी अंदर ही टेंजेंट तो कोई है नहीं तो नो टेंजेंट सपोज ओ इज़ देंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर बराबर जैसे कह रहा है वैसे हम एक यह यहाँ पर बनाते ड्रॉ करते जाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आधा कम हो जाए तो हमें कहा है सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल तो ये हमारा सर्कल बना दिया इसका सेंटर आपका यहाँ पे ओ है सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर तो रेडियस तो जब हमें चाहिएगी जैसे वैसे हम बनाएंगे टी is a point such that OT equal to 13 थर्टीन सेंटीमीटर एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट तो अब आपको OT बनाना है जो सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए E पे इंटरसेक्ट करिए और OT 13 सेंटीमीटर तो so, हम इसका मतलब T आपका एक्सटर्नल पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट ही सर्कल को यहाँ पे क्या करता है इंटरसेक्ट करता है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ठीक है एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं ये आपका यहां पे पॉइंट हो गया टी और ये आपको यहां पे दिया हुआ है थर्टीन सेंटीमीटर ठीक है ओ टी आपका थर्टीन सेंटीमीटर हो गया एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल ये सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ई e पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ई और ए बी एक टेंजेंट है अब हम ऐसे भी बना सकते थे बट आपको यहां पे क्या है कि वो कहाँ बनानी ई e पॉइंट से पास होती बनानी तो ये हमने यहां पे ए बी बना दिया ओके okay? तो ये हमने यहाँ पे बना दिया है ए बी तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ई तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सर्कल यहाँ फिगर बना दिया अब वहाँ पे पार्ट ए देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी अब पी से जो पास होने वाली टेंजेंट है उसकी लेंथ फाइंड कर तो टी से ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से दो ही टेंजेंट पास हो गए या तो इधर से होगी या इधर से होगी और दोनों लेंथ में इक्वल होती है तो हम सिर्फ यहाँ पे से एक टेंजेंट बना लेते हैं इससे तो ये हमारा ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली ठीक है इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हमें रेडियस को भी इस टेंजेंट से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है रेडियस के साथ में ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया था तो ये वाला एंगल हमें पता है ये कितने डिग्री का होता है नाइन्टी डिग्री का होता है और रेडियस आपको यहाँ पे दी हुई थी ना तो ये रेडियस हो गई रेडियस आपको फाइव सेंटीमीटर दी हुई थी ये हो गई हमारी यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर और ये साइड आपको पूरी क्या दी हुई है थर्टीन सेंटीमीटर दी हुई है तो हम यहाँ पे पाया थ्योरम लगा लें अब ये ए पॉइंट यहाँ पर एंटर इसको यहाँ ए लिख लेते हैं ठीक है तो ये पॉइंट आपको पी ले लेते हैं तो ये आपको क्या करना है पीटी फाइन करना है तो पीटी के लिए हम पाइथागोरस सिरुम लगाते हैं ये एंगल 90 है तो ये आपका यहां पे हो जाएगा हाइपोटेनियस ये आपका सॉल्व करते हैं तो, है। तो है। पीटी है। तो पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर पीओ हमें नहीं पता क्या है तो ये पीओ स्क्वायर लिख लेते हैं तो हाइपोटेनियस कितना है थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर माइनस पीओ यानी कि फाइव का स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर हो गया आपका वन सिक्सटी नाइन स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव तो ये हो गया आपका वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर होता है आपका यहाँ पे ट्वेल्व का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये हो गया ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि पीटी आपका यहाँ पे कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर का फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ए बी तो हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फाइंड करनी है ए बी तो ये भी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो आपको रेडियस है, e है और होती? रेडियस होती तो एंगल भी आपका यहां पे 90 डिग्री का हो गया ठीक है अब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है ये आपकी फाइव सेंटीमीटर की हो जाएगी तो ये टोटल जो है थर्टीन सेंटीमीटर तो ये थी पूरी यहां से लेके यहां तक तो यहां से लेके यहां तक आपकी ये फाइव है तो ET कितनी हो जाएगी ET आपकी क्या होगी थर्टीन माइनस फाइव हो, हो तो इक्वल टू हो जाएगी आपकी थर्टीन माइनस फाइव तो वो हो गई आपकी सेंटीमीटर ठीक है ये हम साइड यहाँ फाइंड कर चुके हैं राइट एंगल हम बता चुके हैं लेकिन और मुझे यहाँ पे कुछ भी साइड पता नहीं चल रही ना तो मुझे ए टी का पता है यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे ए, ए का पता है बट मुझे एक चीज यहाँ पे और यह पता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है अब इसको मैं देखो कुछ और कलर से बताती हूँ ये ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से ये दो टेंजेंट जा रही है एक टेंजेंट आपकी ये जा रही है एक टेंजेंट आपकी ये जा रही है ठीक है तो ये क्या होगी दोनों लेंथ में क्या होगी आपस में इक्वल होगी तो ए पी जितना होगा उतना ही ए ई होगी ए पी इक्वल टू आपका यहाँ पे होगा ए तो मैं यहाँ पे ए पी को एक्स ले लेती हूँ तो ए भी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक वेरिएबल के अंदर मुझे इक्वेशन लेनी पड़ेगी तो ये और अभी हमने पी टी फाइंड किया ये ट्वेल्व है ये टोटल आपके यहाँ पे क्या है ट्वेल्व है यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है ट्वेल्व है तो यहाँ और ये एक्स आपके यहाँ से लेके यहाँ तक तो एटी कितनी हो जाएगी एटी मेरी हो जाएगी यहाँ पर ट्वेल्व माइनस एक्स हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी ट्वेल्व माइनस एक्स हो जाएगी तो अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये मेरे पास एट है मैं देखो यहाँ पे सेकंड बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिर से ट्राइंगल बनाती हूँ ये ए ई टी ट्राइंगल बनाए तो आपको इजीली समझ जाएगा, ए बना दिया ई e बना दिया टी बना दिया तो ए e कितना है ए ई e मेरा एक्स है

इक्वल टू स्क्वायर नहीं अभी तो रूट ले लेते हाइपटेनियस स्क्वायर चलो स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर हो गया ठीक है ये नाइन्टी डिग्री एंगल था यहाँ पर भी तो ए ई e कितना आ रहा है ए ई e आपका यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर और ये हमारा ओ, कुछ गलत लिया ए ई ई e, टी e हो गया तो ये ए टी होगा ए टी स्क्वायर यानी कि ट्वेल्व माइनस एक्स का स्क्वायर और ई टी स्क्वायर यानी कि ए टी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू ट्वेल्व स्क्वायर हो गया वन फोर्टी फोर फिर माइनस एक सेकेंड वो ये सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है प्लस माइनस की गड़बड़ी हम हाईपर्टीनियस का स्क्वायर रख रहे थे ना तो ए टी स्क्वायर यहाँ आएगा इक्वल टू यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब सही से ए टी तो ये हो गया आपका ट्वेल्व माइनस एक्स का स्क्वायर ए तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका एट स्क्वायर ठीक है तो ट्वेल्व so, का स्क्वायर हो गया वन फोर्टी फोर एक्स स्क्वायर और यह माइनस टू ए बी यानी कि माइनस ट्वेल्स ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर एक्स हो गया फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर आपका यहां पे हो गया सिक्सटी फोर एक्स से एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आप ट्वेंटी फोर एक्स को उधर लेते हैं सिक्सटी फोर को इधर लेकर आते वन फोर्टी फोर माइनस सिक्सटी फोर इक्वल टू माइनस का उधर गया ट्वेंटी फोर एक्स हो गया तो वन फोर्टी फोर में से आपका सिक्सटी फोर चाहे फोर माइनस फोर जीरो हो गया फोर्टीन माइनस सिक्स एट हो गया तो एटी इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स बचा 80 एटी बाय ट्वेंटी फोर तो ये आपका एक्स आएगा तो एटी बाय ट्वेंटी फोर जब आप सॉल्व करो तो ये आपका एट के टेबल में थ्री टाइम ये हो गया टेन टाइम यानी कि x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आ रहा है टेन बाय थ्री आ रहा है तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था हमें फाइंड करना था ना फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी तो यहां से यहां तक जितनी लेंथ होगी अगर मैं इधर से भी क्योंकि हमें पता है कि मैं टी पॉइंट से अगर ये टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूं तो मैं यहां से भी जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वो भी लेंथ में इक्वल होगी ये भी लेंथ में यहाँ पे क्या होगी इक्वल होगी ना जितनी मेरी यहाँ पे टी पी आ रही है ये 12 है तो ये भी ट्वेल्व होगी तो सेम हम सिमिलरली हम इधर भी सॉल्व करेंगे तो ये जो जो से यहां तक की लेंथ होगी वो भी आपकी जीत ये एक्स है तो ये भी आपकी यहां पे एक्स ही आएगी इस टेंजेंट की वजह से इस यहां पे इस वजह से ठीक है तो ये एक्स आपका तो यहां पे ना हो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए प्लस ई बी हो जाएगा ठीक है तो ए ई सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो बी ई आएगा वो आपका टेन बाय थ्री ही आएगा तो यहाँ पे इनको दोनों को ऐड कर दो टेन बाय थ्री प्लस टेन बाय थ्री एल्सियम लिया थ्री टेन प्लस टेन हो गया टेन प्लस टेन तो ये हो गया ट्वेंटी बाय थ्री सेंटीमीटर तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है ट्वेंटी बाय ट्वेंटी बाय थ्री सेंटीमीटर समझ में आ गया तो ये सिंपली फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना और सॉल्व कर देना है हाउ मैनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए अब आपके यहाँ पे पॉइंट ओ ये रहा पॉइंट ओ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो point o तो पॉइंट ओ सर्कल के अंदर है सर्कल का सेंटर है सर्कल के सेंटर से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते है? तो एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते सर्कल के अंदर चाहे सेंटर हो चाहे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो ये वाला इस तरह से अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो यहाँ से हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा जीरो जीरो टेंजेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी तो ए बी टी आपको कहाँ दिख रहा है ए बी टी यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेना ठीक है ये इसको मैं ज्वाइन कर दिया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी तो हाफ इंटू बेस इन टू हो जाएगा यही हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई डी का आंदोलन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी ठीक है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना तो ये हाइट ही तो हुई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल भले ही नहीं लेकिन इसमें हाइट तो हमें पता है हाइट हमारी एट है यहाँ पर ठीक है और जो बेस है वो भी हमने फाइंड किया ए बी वो कितना है ट्वेंटी बाई थ्री है तो ये हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो जो ट्राइंगल आपके इक्वी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है लेकिन उसमें हाइट आपको पता है ना तो ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो जैसे ये वाला ट्राइंगल है यही हमारा ट्राइंगल है अब इस ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है लेकिन मुझे इसकी हाइट पता है जो इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो हाइट मुझे पता है तो हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हाफ इंटू बेस बेस आपका ए बी आ रहा है तो वो हो गया ट्वेंटी बाई थ्री और हाइट हाइट हमने अभी यहाँ फाइंड की ई टी टी एट है तो ये यह हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसको एट लिख लेते हैं तो ये एट हो गया इसको सॉल्व करो ये टू से कैंसिल हो गया टेन टाइम तो ये हो गया एटी बाय थ्री एरिया डेसिमल में दिया होगा तो डेसिमल करेंगे नहीं तो हमारा एटी बायस एटी बाई थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट कहां पर वो इक्वल एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल का सेंटर है If two tangents are drawn from